हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो रेडी हो चुका हूँ मैं अभी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। एंड अभी का टाइम की बात की जाए तो मतलब 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। एंड मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ से विंडो से बाहर का मौसम। तो कुछ अभी इस तरीके का मौसम हो रहा है, दिन एकदम से निकल रहा है, देख सकते हो आप। तो फाइनली यार चलते हैं रेडी होकर यूनिवर्सिटी एंड देखेंगे किस तरीके का आज का जो क्लास का अपना यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस रहने वाला है। सो पिछली वीडियोस में आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे तो वो मैं इस वीडियो में रिप्लाई करने वाला हूं। बट उससे पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहां पे हमने एप्पल जो है वो काट लिए हैं एंड उबलने के लिए रख दिए हैं हमने एक से, देख सकते हैं उबाल आ रहा है इसमें ऑलरेडी। एंड यहाँ पर कॉफ़ी रखी है, कॉफ़ी दिखा देता हूँ, एकदम गर्म गर्म हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला आज के ब्रेकफास्ट में। और दोस्तों हमने एक को जो है वो उबाल करके निकाल लिया था, निकालने के बाद हमने इनको फ्राई कर लिया है। हमारे पास ब्रेड है जो कि वो भी हमने फ्राई कर लिए हैं एंड आज का ब्रेकफास्ट मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया है। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस आ चुका हूँ मैं अपने रूम पर एंड अभी चलते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी। तो फ़ोन वगैरह, आईपैड और जो भी मेरे को लेके जाना है वो मैं रख लेता हूँ अपने बैग में। बेसिकली मैं तो ज़्यादातर आईपैड अपना और एक नोटबुक ही लेके जाता हूँ जो लिखने का होता है, बाकी सारे नोट्स जो हैं अब वो मेरे आईपैड में ही हैं एंड इसको रख के चलते हैं। दोस्तों आज जो है वो पड़ रही है स्नो और ये इस ईयर की पहली स्नो है एंड काफ़ी ज़्यादा ठंडी भी है। टेम्परेचर की बात की जाए तो वो -8 डिग्री हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हल्की हल्की जो वो बारिश भी पड़ रही है। तो ये स्नो जो है ना, मतलब आज पूरी रात स्नो पड़ी है, देख सकते हैं ये कार पर भी सारा स्नो आ चुका है एंड इस साइड में भी देख सकते हैं। सो सर और मैम हमारे आज जो है वो इनकी टाइमिंग भी सेम ही है, ये भी 8 बजे आज जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी, तो हम भी जा रहे हैं, हमने सोचा हम भी आपके साथ ही चल लेते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आज स्नो पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ठंड जब होती है जब यहाँ पर हल्की हल्की सी हवा चलने लगती है। भले ही -2 डिग्री टेम्परेचर हो, -1 हो, वो इस स्नो की -8 से ज़्यादा भाई ठंड पड़ती है, वो ठंड इससे ज़्यादा खतरनाक होती है। सो आज जो है वो हमारी एनाटॉमी की क्लास है, थोड़ा सा मैं आपको क्लासेस और यहाँ के कारिकुलम के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे एनाटॉमी की क्लास है उसका लेक्चर जो है वो 4 घंटे का हमारा लेक्चर रहता है। और फाइनली अभी हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी एंड समीर अभी वहाँ पे खड़ा हो गया है एंड चलते हैं अभी यूनिवर्सिटी के अंदर। सो 4 घंटे के लेक्चर में हमें जो है वो हर 1 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, 45 मिनट लेक्चर होता है। और वीक में एनाटॉमी की एक जो है वो लेक्चर होता है जो 4 घंटे का मैं अपना बता चुका हूँ, और एक प्रैक्टिस क्लास होती है वो भी लगभग 4-4.5 घंटे की होती है, डिपेंड करता है टॉपिक पर। तो फाइनली अभी आ चुका हूँ मैं क्लास रूम के अंदर, अभी थोड़े टाइम में जो है वो क्लास वगैरह स्टार्ट होने वाला, फाइनली क्लास स्टार्ट हो चुका। एज यू नो गाइज, नीट 2024 की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है, 5 मई को ये एग्जाम होने वाला है। और किसी वजह से आपका सिलेबस अभी तक अधूरा है, बैकलॉग कवर नहीं हो पा रहा है, तो स्ट्रेस मत लो, अभी देर नहीं हुई है। फिजिक्स वाला लेकर आया है आपके लिए नीट अल्टीमेट क्रेश कोर्स। सो इस बैच में आपको लिमिटेड टाइम में नीट का फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ये बैच 2 वर्जन में अवेलेबल है, बेसिक एंड प्लस प्लान में। प्लस प्लान में आपको इनफाइनाइट प्रैक्टिस, NCERT पिटारा, खजाना मेंटरशिप एंड 1 रैंकर टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। एंड क्लासेस विल बी 6 डेज ए वीक, ऑल लेक्चर्स विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्म, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन ए क्यूज फॉर्मेट, PDF नोट्स ऑफ ईच क्लास विल बी अपलोडेड ऑन द PW ऐप, शेड्यूल टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर। और बुक्स मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो ईच बैच हैज इट्स ऑन सेट ऑफ बुक्स विच यू कैन परचेज यूजिंग माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो बेसिक प्लान वाला जो है वो उसका प्राइस है 2,500 रुपीज एंड प्लस वर्जन वाला जो है उसका प्राइस है 4,000। तो दोनों ही बैचेस का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है MI150, जिससे आपको 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो चेक आउट डिस्क्रिप्शन एंड अभी अपने व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। One of another friend here is Ritik. Ritik is also attend today's class. And yes. How was the experience? Very great. And पहले दिन यहाँ का आपको स्नो देखने के लिए मिली? बहुत बहुत मजा आ रहा है भाई। तो काफी दिन का वेट किया है। सो फॉल हो गई, क्लास बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स अच्छी हैं भाई। इंग्लिश में समझाया जो हेल्प मैंने पूछा, मेरे को कुछ डाउट्स थे वो क्लियर किए, सब कुछ समझाया उन्होंने इंग्लिश में, समझ आ रहा था सारा, सब बिल्कुल समझ आ रहा था। ब्रेक दिया लेक्चर में जो भी आपको, 4 घंटे का लेक्चर था उसमें हर बीच में 15 मिनट का जो है वो, और आज बढ़िया स्नो फॉल हो गई, और क्या चीज़ें। बाकी चलते हैं रूम पे यार, ठंडी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। What about the location and location? बढ़िया एम्बियंस, बहुत अच्छा एम्बियंस है, स्नोफॉल भी हो रही है फेस्टिवल की, और टीचर्स बहुत हेल्पफुल है, मस्त सब अच्छा है, मतलब व्यू बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और जो जितने भी यहाँ पे फैकल्टी वगैरह है सब मस्त है, एक नंबर। और व्यूज़ बहुत बढ़िया है भाई, व्यू बढ़िया है। ऑलरेडी मैंने पिछले ब्लॉग्स में भी दिखाया था, इसी रास्ते से हम जाते हैं, भूतिया बिल्डिंग है ये साइड में, और इधर कोई इस तरीके का है।
तो रास्ते में कुछ इस तरीके का सेलिब्रेशन सा हो रहा था, तो मुझे लगा शायद ये फर्स्ट इसमें यहाँ पर हुई है तो इस वजह से कर रहे हैं, बट एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पाया किस वजह से, इस तरीके से पता नहीं क्या हो रहा है। शायद ऐसा लगता है यहाँ पर कोई दुकान वगैरह या कोई शॉप की ओपनिंग हुई है तभी हो रहा है, बट एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं चल पाया। इन्जॉय। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला एप्पल का ट्री, और देख सकते हैं इस पर लीव्स भी नहीं है, एंड इस मौसम में तो वैसे भी यहाँ पर ट्रीज पर लीव्स नहीं आते हैं। और इस साइड में ये चर्च है, काफ़ी बड़ा चर्च है, तो अभी कर लेते हैं रोड क्रॉस। रोड क्रॉस करने का यहाँ पर सिस्टम काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में भी आपको दिखाया था किस तरीके का रहता है। सो फाइनली दोस्तों वापस आ चुके हैं अपने रूम पर, तो चलिए यार बैग वगैरह मैं उतार के रख देता हूँ और कपड़े वगैरह भी जो चेंज कर लेते हैं, एंड टाइम की बात की जाए तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1:45 हो रहे हैं एंड ये हो चुका है लंच का टाइम, तो चलिए यार चलते हैं अभी लंच रेडी करने के लिए। तो समीर भाई हमारे यहाँ पर जो है वो प्याज टमाटर वगैरह काट रहे हैं, और यहाँ पर आज हम बना रहे हैं पास्ता, और साइड में हमने पीने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं पास्ता। भूख भी लगने लगी है मुझे, एंड हमारे जो इंडक्शन है इंडक्शन के ऊपर जो है विंडो दे रखी है, जैसे सीटी वगैरह आती है कुकर में कोई भी सब्जी वगैरह बनाते हैं तो इसको ऑन कर देते हैं। ये रहा किचन, तो फाइनली हमने पास्ता जो है वो उबाल कर रख दिया है एक साइड में। हमारे हिमांशु सर बना रहे हैं अब इसको पास्ते को बढ़िया तरीके से, इसमें मसाले वगैरह डालेंगे, और मसाले ये ऐसे डालते हैं एकदम एग्जैक्ट सब्जी में टेस्ट जो एक जबरदस्त वाला आता है। विंडो को हमने खोल दिया है एंड चलिए यार बना लेते हैं पास्ता। एंड अभी भी दोस्तों यार स्नो बरकरार है, स्नो जो है वो आज पूरा दिन स्नो हुई है, पूरी रात भी स्नो हुई थी, मौसम जो काफ़ी ठंडा है। विंडो खोल दिया तो मेरे को अभी ठंडी सी भी लग रही है। सो फाइनली दोस्तों पास्ता बनकर रेडी हो चुका है, एंड रात जो है वो हमने दाल चावल बनाए हुए थे, तो हमने अभी पास्ते से और दाल चावल से काम चला लिया है, एंड इसके खाने के बाद वापस मैं आ चुका हूँ अपने रूम पर, एंड करते हैं अपने स्टडी सेशन स्टार्ट। टाइम जो है वो 3:40 हो गए हैं, तो चलिए पढ़ने बैठते हैं। तो जैसे ही मैं पढ़ने के लिए बैठा था 20 से 25 मिनट बाद जो है वो मेरे को नींद आ गई, और जब मेरे को नींद आ गई तो मैंने सोचा यार पहले सो लेते हैं, सो कर उठ के अपना पढ़ाई करेंगे। तो फाइनली अभी जो है वो मैं सो कर उठ के जो है वो फिर से अपना फ्रेश होकर आ चुका हूँ, क्योंकि ऐसा है ना सुबह हम जब जल्दी जल्दी उठते हैं ना तो उसमें जो ना नींद थोड़ा सा ऐसा रह जाता है, तो अभी खाना खाया था तो मेरे को इस वजह से नींद आ गई। जब नींद आती है तो पढ़ाई वढ़ाई में भी थोड़ा समझ नहीं आता है, तो इस वजह से मैं सो गया था, एंड अभी जो है वो अपना करते हैं स्टडी सेशन स्टार्ट। तो काफ़ी सारे कमेंट्स जो पिछली वीडियो में ये आ रहे थे कि आपका रूम का रेंट कितना है एंड आप हॉस्टल में क्यों नहीं रहते, तो हॉस्टल में तो मैं इस वजह से नहीं रहता क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा लेट आया था, तो हॉस्टल वगैरह फुल हो चुके हैं, एंड इंडियन हॉस्टल जो हैं वो हैं तो वो काफ़ी दूर है, मतलब 4-5 किलोमीटर दूर हैं, तो इस वजह से हमने जो है ये अपार्टमेंट लिया है। एंड इसके रूम की रेंट की बात की जाए तो 450 यूरो में ये हमें मिला है, एंड इसमें हम 4 लोग रहते हैं, तो एक बंदे पर लगभग पड़ते हैं हमें 9 से 10 हज़ार रुपये के बीच पड़ते हैं इंडियन रुपीज़। और अगर बात की जाए खाने पीने की खर्चे की तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच में आ जाता है पर बंदे का, और जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हम हफ्ते में एक बार ही सामान ले आते हैं सारा, और उसमें फिर जो लेकर आते हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं, तो मैक्सिमम हमने हिसाब लगाया वो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये हमारा खर्चा आता है, तो टोटल अगर हम लगाएं खाना रहना तो 15 हज़ार रुपये के बीच में आराम से हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों अभी अपना स्टडी सेशन हो चुका है कम्प्लीट, एंड रात हो चुकी है, देख सकते हैं मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है, एंड टाइम हो चुका है डिनर का, तो यार खाना पीना तो आज से बनाते हैं तो अभी हमें बनाना पड़ेगा खाना, तो चलते हैं यार किचन की तरफ। और बाकी किसी को यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ के बारे में अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर मुझे आप DM कर सकते हैं। तो फाइनली आ चुके हैं किचन में, एंड यहाँ पर देख सकते हैं अभी दोपहर खाना बनाया था तो सारा अभी ऐसे ही पड़ा है, एंड मैं गूंद लेता हूँ अभी आटा, तो इसमें डाल लेते हैं पानी, पानी जो ये मैंने गर्म लिया है ताकि आटा बढ़िया तरीके से गूंदे एकदम। यहाँ का आटा जो यार वो थोड़ा एकदम मैदे की तरह होता है, मतलब खिंचता है, रोटी भी ऐसे खाएंगे ना भूरी भूरी रोटी सी आती है, तो हमने इसमें जो है वो दूसरा आटा आता है वो मिक्स किया है, तो अभी फाइनली आटा गूंद चुका है एंड चलते हैं रोटी बनाने के लिए, एंड सब्जी जो है वो फाइनली यहाँ पर रेडी होने वाली है। सर बना रहे हैं सब्जी हमारे, तो मैं जो है वो भी यहाँ पर डस्टबिन में कूड़ा फेंकने के लिए आया था, एंड व्यू देखा तो काफ़ी बढ़िया हो रहा था, स्नो पड़ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा देता हूँ। तो
वापस आ चुके हैं रूम पर। सर जो है वो रोटी बेल रहे हैं, मैं यहाँ पर रोटी सेक रहा हूँ, और सब्जी जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है तो उसको हमने एक साइड में रख दिया है। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ रोटी। तो फाइनली दोस्तों खाना बन चुका है, आलू मटर की सब्जी हमने बनाई है, तो चलिए इसको खा लेते हैं। सो इस ब्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर एक जल्दी ही न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।